इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए क्या एडवाइजेबल है अलग से आदमी रखना, और अगर हाँ तो कैसे उस पे चेक रखें? हाउ डू यू एक्सपैंड योर कस्टमर बेस? सो एक्सपैंडिंग द कस्टमर बेस इज ओनली पॉसिबल. हम एक लाइव किचन का टूर देख लेते हैं कैसे उनका काम होता है। ओवर टू यू शेफ अमोरी। वेलकम एवरीबॉडी ऑन दिस स्पेशल सेशन, एन एक्सपर्ट सेशन जो कि आज स्पेशली शेफ अमोरी के साथ कर रहे हैं हम लोग, जो हमें ज्वाइन किए हैं गोवा से। और आज का ये जो सेशन है काफी स्पेशल होने वाला है, वन ऑफ इट्स काइंड। ओवर टू यू अमोरी। मैंने अपना स्कूलिंग सब डॉन बॉस्को से किया था, डॉन बॉस्को स्कूल एंड कॉलेज उधर से हुआ था। उसके बाद मैं बैंगलोर गया था टू कंप्लीट माय होटल मैनेजमेंट, एंड उसके बाद कैंपस इंटरव्यू सिलेक्शन के टाइम मुझे इंटरव्यू प्रोसेस में आई क्रैक द होटल मैनेजमेंट ट्रेनरशिप फॉर ताज, एंड वो टाइम पे यू नो आई वाज पोस्टेड इन गोवा इटसेल्फ ओनली, तो वो बहुत अच्छा था एंड दैट्स वेयर आई लर्नड ऑल माई स्किल्स वेर इन, क्योंकि घर पे भी बिजनेस चल रहा था वो भी बहुत धूमधाम से हो रहा था, और इधर से भी मतलब एक बहुत स्पेशलाइज्ड जगह पे इतना लर्निंग ऐसे मिला जो मैंने कभी भी ऐसे सोचा नहीं था कि इतना एक एक बिल्डिंग में इतना लर्निंग, नो चांस, नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो ये बहुत अच्छा था। उसके बाद याकीजुशी वॉज ऑलवेज इन द पाइपलाइन, ये मेरा बिजनेस आइडिया था, तो ऑलरेडी बिजनेस सेटअप थे, तो आई वॉज वेरी प्रिवलेज टू से, बहुत हाईली हाईली प्रिवलेज एंड ब्लेस्ड टू हैव अ सेटअप। तो आई मैं अपना एक प्रॉपर्टी में आया था एंड नाउ इट्स बीन 5 years जो इसको इधर मैं चला रहा हूँ, एंड 6 months अगो ये बिजनेस ऑलमोस्ट शट डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड, एंड उसके बाद क्लाउड खाना जो मेरा न्यू कॉन्सेप्ट है जिधर पे हम लोग नीश मार्केट सेगमेंटेशन को पेनिट्रेट करने की कोशिश में है, वो अभी एक्सप्लोरेशन स्टेज पे है, तो अभी वो अभी स्टार्ट हो गया, तो दैट्स ऑल अबाउट मी। ब्यूटीफुल। सो आप प्लीज अपना टूर दीजिए अपने किचन का, रेस्टोरेंट का। जी यस, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी आपने जो मुझे दिया था, तो आई एम गोना स्टार्ट द टूर, सो वी विल स्टार्ट विद द एंट्रेंस एंड देन उधर से आई विल स्टार्ट एक डिटेल। सो हियर वी गो, ये हमारा रेस्टोरेंट का एंट्रेंस है। ओके, एंड इधर डिलीवरी बॉयज अभी ज्यादातर इधर ही आके इधर ही वो लोग अपने आप को ऐसे पार्क करते हैं एंड फॉलो थ्रू इधर से स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस इज अ टेलीविजन सेट, ये एक स्पेशल टेलीविजन सेट है जो हम लोग ने डिलीवरी बॉयज के लिए बनाया, ये अभी सब बाद में हुआ था, लेकिन आई विल टेल यू इन ब्रीफ लाइक यू नो हाउ आई स्टार्टेड इट ऑल, बट दिस इज वेयर इट एक्चुअली हैपेंस, एंड दिस इज नाउ द बार, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो हम लोग ने लाया था मल्टीपल ब्रांड्स पे क्लाउड खाना का सिस्टम ठीक से चलाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस पॉइंट ओनली कम्स फ्रॉम अ गुड पॉइंट ऑफ सेल, सो विद दिस मशीन ज़्यादातर हम लोग ने बहुत सारा ब्रांड्स को इंटीग्रेट कर दिया, जो एक बहुत स्पेशल फीचर जो मुझे लगा था, एंड वो इंटीग्रेशन के वजह से आई फेल्ट थिंग्स बिकेम वेरी वेरी इजी। सो बहुत सारे ब्रांड्स की जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइए, आपकी एक कंपनी है उसके अंदर कितने ब्रांड्स हैं जो आप ऑपरेट कर रहे हैं? हमारे अंदर ऑलमोस्ट 7 different कुजींस के खाना मैच हो जाते हैं, पिताजी के 4 types और मेरे 3 types, एंड मेरे अंदर एशियन कुजीन में, जापानीज, थाई, चाइनीज में, मैंने नीश सेगमेंटेशन में एक स्पेशलाइज्ड सुशी ब्रांड लिया, एक स्पेशलाइज्ड डम्पलिंग ब्रांड लिया डिमसम्स, एक स्पेशलाइज्ड थाली ब्रांड जो आप लोग इंडियन में थाली बोलते, हम लोग एशियन में बेंटो बॉक्स बोलते, तो दैट इज वन वेरिएशन, एंड वन फॉर थाई, सो लाइक दिस यू नो सेगमेंट किया उसको। कंपनी एक है आलूवाज, राइट? आलूवाज, यस, हमारा ब्रांड मतलब 30 years old का है वो, yes, correct. Beautiful, beautiful. आपका तो already setup काफी अच्छा है, but शुरुआत के लिए क्या करना चाहिए वो भी साथ के साथ आप बताते चलिए, तो जैसे जैसे आप बताएंगे ना पूरा टूर कराएंगे वैसे वैसे शुरुआत का बताते चलिए। Fair enough. शुरू करने के लिए क्या कर सकते हैं? जी डन, सो आई एम टेकिंग यू इनसाइड नाउ एंड वी आर गोना वॉक थ्रू द किचन, हियर यू गो, सो हियर वी हैव द टीवी, नाउ ये जो टेलीविजन सेट है, इस टेलीविजन सेट पे किचन को अपना ऑर्डर आते हैं, एंड इसी को देख के वो लोग बाद में उसको अप्लाई करते हैं कि कौन सा सेक्शन में उन लोग को अपना खाना निकालना है, तो ज्यादातर जब एक ऑर्डर आता है फर्स्ट वन क्यूओटी प्रिंटर, एक मशीन है हमारा, दिस इज क्यूओटी प्रिंटिंग मशीन, इस प्रिंटर पे एक पेपर बिल आता है, यस दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाउड किचन ऑर्डर, सो दिस इज अ डिलीवरी बाई थर्ड पार्टी एग्रीगेटर जोमैटो, जिसमें कस्टमर का फोन नंबर है, कस्टमर का नाम है,
एंड कस्टमर का डिटेल्स है जिसमें उसका ऑर्डर है वन वेज वॉन्टन एंड वन थाई चिकन विंग्स स्टेटस ऑनलाइन पेड. तो ये ऑर्डर टीवी पे आता है ऑटोमेटिकली. जब खाना रेडी है किचन स्टाफ को हाँ बोलना है. तो इस मॉडल में किचन स्टाफ को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि अगर वो लोग ठीक से ऑर्डर को बंद नहीं करते तो 30 मिनट्स का जो टाइमलाइन है वो एंड हो जाते हैं. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किचन स्टाफ शुड नो दैट एडवांस में कि यस हमारा खाना इतना टाइम में जाना चाहिए जो ओनली 30 मिनट्स का टाइम दे. ये हमारा सुशी रूम है, इस किचन से हम लोग हमारा सुशी खाना पिकअप करते हैं. सो दिस इज हाउ वी फंक्शन. चलिए तीन चीजें सिर्फ अगर बतानी हो जो बेस्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हुए, जो लर्निंग आपको इस कोर्स में मिली या कम्युनिटी में मिली, तीन चीजें जिसने आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प की, क्या है वो, क्या नेम करेंगे जी? यस, तो इसमें तो बहुत सारे चीजें हैं लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा जो मैंने आपको किचन में नहीं दिखाया क्योंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज पैकेजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग. पैकेजिंग इज अ मेन, क्योंकि पैकेजिंग से आप ब्रांडिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे. जैसे फास्टफूड का मॉडल आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे थे कि फास्टफूड में वो लोग आपको अपना ब्रांड के बारे में बात करने के लिए बोल रहा है या पैकेजिंग, तो अभी ये चीज है जो मुझे सच में बहुत फ्री कर दिया क्योंकि राइट पैकेजिंग से यू नो आपको अपना आप सब कुछ दे सकते हो उसमें. यू कैन गिव एवरीथिंग आपका एंड इंटरेक्शन भी कस्टमर के साथ बहुत रुकता है. आप हाउ डू यू एक्सपैंड योर कस्टमर बेस? सो एक्सपैंडिंग द कस्टमर बेस इज ओनली पॉसिबल when you know you hack the system by you know because per day 25-30 orders aapka jaate hai, you enter the house of 25 people. So how do you capitalize on that? Pehle to 25 mein se you know right now we're doing at least 40% hacking to say. The target is to reach to a better percentage because you can't do 100%, it's no use. Aapka sab log customer nahi ban sakte lekin specialized logs you know aap definitely usko pakad sakte, interaction baad mein aap share kar sakte ho ऑनलाइन की. ये हमारा इंटरेक्शन था कस्टमर के साथ, इट वाज गुड इंटरेक्शन. तो यू नो दिस वाज नंबर टू. एंड द थर्ड थिंग इज अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कोर्स आपका जो कोर्स के अंदर जो फेसबुक एड्स है वो एक बहुत आई ओपनर वाला चीज है. वो अभी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है लेकिन अपने जो जिस डिटेल से फनलिंग एस्पेक्ट बोला ना कैसा चलता है वो अभी मुझे बहुत कैप्टिवेट कर रहा है, बहुत मेरा माइंड अटेंशन उसमें जा रहा है. तो दीज थ्री थिंग्स आई वुड से हैव रियली हेल्प्ड मी कट माय इंटीग्रेटेड फ्रॉम स्विगी जोमैटो ऑन दिस सिस्टम. लेकिन आई विल शो यू कि विदाउट इंटीग्रेशन भी आप उसको कैसे मैनेज कैसे कर सकते हो. अभी हियर आई विल शो यू कि जब ऑर्डर्स आते हैं तो it comes straight away. Abhi here this is a live order ki aap ek order matlab this is how to place an order and zyada jab orders aate to you know you get to see it over here you know. So it shows you the details ki a la carte third party takeaway and qot. So live qots jo hai kabhi kabar and delivery to we get to see that you know. So this is the paid puja system. Now on this we also have the Swiggy and Zomato access. Now this is very important, I will show you the Swiggy and Zomato access. So over here right now this is how we manage our current brands which are integrated right now. Right now as you can see we have only 1, 2, no, here we have around 12 brands integrated on this outlet only, one outlet. So isme accessibility bahut aasan hai ki you know you can go up and down and you can you know switch on the brand, switch off the brand. Wo freedom kabhi bhi maine dekha nahi hai, uska matlab abhi matlab mujhe abhi tak samajh nahi aata lekin huge freedom. आप इसमें A to Z कर सकते हो. इफ यू वांट टू एडिट द मेन्यू, एडिट द मेन्यू एक ऑप्शन भी है कि आप अपना मेन्यू एडिट भी इसमें कर सकते हो. तो इट्स अ वेरी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर. आपको बहुत वीडियोस भी मिलेंगे इसके ऊपर ऐसे नेट पे कि हाउ टू ऐड अ मेन्यू आइटम ऑन स्विगी मेन्यू. तो राइट नाउ वी आर जस्ट यू नो जस्ट ट्राइंग टू शो यू. सो यू कैन सी दैट द स्क्रीन इज मूविंग. सो दिस इज वेर यू एडिट इट. इट्स लाइक वर्किंग अ बिट स्लो एज यू सी, बट यू नो इट्स लाइक अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन. सो यस, सो ओवर हियर नाउ दिस इज वन ब्रांड. And in this one brand, you can see that, you know, you have the menu items, you know, and you can edit any menu item in any brand, you know, whatever way you want to. So if you spend good time on it, ki aap thoda time thoda usme thoda aise bitate ho, to aap seekh jate ho ki isko kaise karte hai theek se. So yes, so ye hamara abhi ek order aaya abhi. You can actually see, I will take it close over there. Ek order aaya. So this is unfortunately a takeaway order. So ye takeaway order ke liye hai, lekin same style mein,
अगर स्विगी जोमैटो से कुछ ऑर्डर आता है यू कैन सी द ब्रांड्स ऑन टॉप. सब हर एक ब्रांड का एक स्विगी जोमैटो का अलग अलग आता है. तो ये अभी लिमिटेड है क्योंकि सब इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ. इंटीग्रेशन के लिए बहुत टाइम लगता है. यू हैव टू कीप मतलब आपको एक्टिव होना पड़ेगा इसमें. नहीं तो अगर क्योंकि आई बीन ऑन इट फॉर 5 months मेरा तो जान ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है. लेकिन अभी क्योंकि अभी प्रोसेस एंड में है तो मुझे ठीक लग रहा है. सो अभी हमने देख लिया ऑर्डर आ गया. उसके लिए आपने पेट पूजा सिस्टम इंटीग्रेट किया. आई एम टेकिंग इनसाइड नाउ द किचन. नाउ ये हमारा सेटअप है. गैस रेडी, एवरीथिंग इज रेडी एंड यू कैन सी फर्स्ट ही इज एडिंग सम गार्लिक. ही इज एडिंग सम गार्लिक ओवर हियर. फास्ट करो, कम ऑन फास्ट. So this is adding some egg here, and right now 20 seconds हो गए आपका chef, but time हो रहा है, पर speed बढ़ाओ. Okay, he's starting to roll. He's putting his salt, sugar, seasoning, and some special chef special material which we cannot tell you unfortunately. Very very sorry. No problem. So we make a special mixture every for every dish. So here you go. And now we finish this item off. The item is ready. Just putting some stock water to give it some moistness, some juiciness, some flavor to mix all together. This is a hack actually. Always whenever we make a fried rice, add some water. The steam of it will cause it to, you know, mix well and get a nice flavor. So we are done. Chef has, I think, finished it in around 1 minute or 20 seconds. So over here, you can see he's picking up the food over here. And this item hardly, is how it is. It's so, hardly 1 minute right now. So is it? So I think he's done a good job. He's done a very good job. Okay. Beautiful. So beautiful. Right now over here, I will take you to the sushi room now. He's sushi. Our sushi specialist chef. He's learned one very, very well. Yes. So this is live. One of this is something favorite. We have to do with raw. Yeah. Sushi. You told me. So that's why I thought of offering this item to you to go and show. So beautiful. Keep the plating ready. So over here, right now, he's putting the rice on the nuri sheet. As you can see, this is a very gentle process. It is a very special rice. It is Japanese grade rice with a sushi vinegar. And you know, it can last only for 24 hours. ये only 24 hours का है. तो after that अगर आपने order में नहीं बेचा उसको तो I'm very sorry, आपका business model अच्छा नहीं है. तो I have to sell this by tonight. आज रात में इतना तो खत्म होना ही है भगवान के दुआ से. तो एक दो घंटे में खत्म हो जाएगा जो मैं सोच रहा हूँ. अभी orders अभी चालू होने को आएगा. अभी 7:30 8 o'clock वो ज़रा टाइम रुकता है कि orders hot हो जाते हैं. अभी तो it's like off time. So over here chef हमारे लिए एक रोल बना रहे हैं. उसका नाम चीज एंड चीज क्यूकम्बर सुशी रोल. अभी इसमें उसने राइस का बेस डाला. वो अपना बैम्बू मैट हाथ में लिया, राइस को उस पर डाल दिया वेरी सिंपली. उसको टर्न किया. टर्न करने के बाद अभी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे. फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स कॉल्ड वसाबी. वसाबी इज लाइक जापानीज हल्दी पाउडर. स्पाइसी है लेकिन हल्दी पाउडर की जैसे इट्स एन एंटीसेप्टिक बाय नेचर. सो क्योंकि जापानीज फूड में बहुत रॉ स्टफ जाता है, रॉ स्टफ होने के वजह से. एंड दिस इज नाउ ही इज पुटिंग हिज फिलिंग. ही इज रिमूविंग द फिलिंग. सो शेफ दीपक इज कटिंग द सुशी नाउ. यू विल सी बहुत प्रिसीजन चाहिए. गलती से आपका अगर आप प्लास्टिक ग्लव गलती से उसके अंदर चला जाता है जो ज्यादातर ऐसे हो जाता है कि ऑर्डर के बाद ना नाइफ से वो ऐसे कट जाता है. तो वो प्लास्टिक हम लोग को बहुत बार मिला है. ये चीज एक चीज है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. तो अगर आप ग्लव्स पहन रहे हो रोल बनाने के टाइम इट मतलब आपका फुल प्रोसेस ब्रेकअप हो जाता है. प्लेट गार्निश उसका सेटअप यू कैन सी नाउ. ये हमारा प्लेटिंग है. प्लेटिंग में पिकल जिंजर है. दिस इज स्पेशल जापानीज ग्रेड जिंजर दैट यू नो इज मेड ऑफ फैट जिंजर विच इज यू नो फर्मेंटेड इन अ बैटर इन अ मिक्सचर ऑफ विनेगर एंड सॉल्ट. दिस इज योर वसाबी. योर वसाबी इज लाइक योर हल्दी पाउडर विच इज एन एंटीसेप्टिक विच किल्स एनी फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट. दिस इज योर कैरेट विच इज बीन फाइनली कट. This is your fruit acts as a mouth freshener. Like, you know, after eating too many bites, sometimes you may feel that, arre, I'm getting my mouth a bit too heavy. So this is like, you know, you have to mix and match all this, you know, along with some soya sauce. Everybody, let's thank Chef Amori, you know, for the beautiful kitchen tour.